हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज आप कैसे निकालें, वो आपको सिंपल तरीके से। आपने किसी को रुपए उधार दिए हैं कि इतने रुपए पे, मतलब क्या रुपये सैकड़ा या जितने आपने दें हो जितने हिसाब से, अगर आपको उसका ब्याज निकालना है कितना, अगर आपको 1 साल हो, 2 साल के लाने दें हो, जितने साल के लाने दें हो, अब उसका ब्याज निकालना चाहते हो तो आपको साधारण ब्याज बनना चाहिए। उसे आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको ब्याज कैसे निकालना है, जैसे साधारण ब्याज है। यहाँ पर ब्याज पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला आपको यहाँ पर पैसा कितने दिए थे उसने, उधार लिए थे उसने कितने, 28,400 रुपये लिए थे उधार। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मूलधन कितना पता है, मूलधन पता है आपको पी बराबर, मूलधन को अपन पी से दर्शाएंगे, और 28,400 रुपये आपको उधार लिए थे। ठीक है, तो इतने आपने रुपए उधार लिए थे या दिए थे, कुछ भी कहो, आपने उधार लिए थे या दिए थे, तो आपको इसका ब्याज देना है या चुकाना, कुछ भी हो आपको मिलना है, चाहे देना हो चाहे, ठीक है, मंगाना पड़े किसी से, ब्याज भी लो चाहे जो कुछ करो, आपको देना है चाहे निकालो। आपको जो ब्याज है आपको परिकलित करना है, तो कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और यहाँ पर आपको इतने 28,400 रुपये की राशि, तो उनको रेट भी रात के कितने रुपये सैकड़ा पे देते हैं, तो इतने देते 4 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 4% वार्षिक दर से। इसका प्रतिशत का मतलब होता है 4/100, और अपन 100 को बोलते हैं सैकड़ा, सो सैकड़ा 4 रुपये सैकड़ा, 100 रुपये पे कितने, 4 लगना, तो 4 रुपये पे सैकड़ा लगने, 100 रुपये, 4 रुपये सैकड़ा, तो 4 रुपये सैकड़ा मतलब 100 रुपये पे अपने 4 रुपये लगने, ये आपके वार्षिक हैं। तो 1 साल में अगर आप 100 रुपया ले रहे हैं, 1 साल के लाने दो, तो 4 रुपये लगे। ठीक है, तो इन्हें लाए 28,400। अब इतने इसमें यानी कितने 100 हैं, अब आपको देख सकते हैं इसमें 284 100 हैं। तो आपको इसका ब्याज परिकलित करना, तो इसमें उसकी कोई टेंशन नहीं लेने। आप क्या करोगे, तो इसको लाने एक फार्मूला होता है, वो आपको इसको सीधे सीधा बन जाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है दर, दर आर होती है, आर से प्रदर्शित करते हैं रेट। तो यहाँ पर कितनी, 4% वार्षिक दर से हैं, तो भाई अपनों को 4% वार्षिक लिख लेने, कैसे जी दर आपकी वार्षिक में रहती है हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर अपन को निकालना 12 महीनों का ब्याज। तो आपको समझ रहे हो, 12 महीना, 1 साल में होते पूरे 12 महीना, तो आप 12 महीने का ब्याज निकालना, तो ये तो आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो वर्ष में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर समय है, समय आपका टी बराबर है, टी बराबर कितना, 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने को हम बदलेंगे कितने में, 12 महीने को बदलेंगे हम वर्ष में। तो 12, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में से 12 महीने को निकालने, तो 12/12। अब जब वर्ष में बदल दो, अपन ने इसको वर्ष में बदल दिया, तो अब अपन ने जो 12 से 12 काट दिए, तो 12 एकम 12, तो कितना आ गया 1 वर्ष, मतलब समय कितना, तो 1 साल। हमने कहा था ना आपको 12 महीने में कितने होते हैं, 12 महीने 1 साल में होते, तो 1 ही साल को ब्याज निकालना पड़ा सीधे सीधे। तो हमने यहाँ पे समय को पहले क्या कर दिया, महीने में, तो अपन को अपना हमेशा जो वार्षिक में ही दिया रहेगा, लेकिन जो कम महीना में दे दो, तो उसको समय में वर्ष में बदलना पड़ेगा। सो जी आपको महीना दिया, तो आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा, या दिन हो तो उसको भी वर्ष में बदलना, या आपके सप्ताह भी हो उसको भी आपको क्या में बदलने, वर्ष में, क्योंकि ये वर्ष में ही लगता है, वर्ष में ही फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या निकालना, यहाँ से आपको ब्याज निकालना। तो अब इसका ब्याज कैसे निकालेंगे, अब साधारण ब्याज कितना जाएगा, तो इसका सूत्र होता है PRT/100। ठीक है, 100 आपका ये रेट का होता है, परसेंटेज लगा तो उसको हटा के आ जाता है। ठीक है, तो जे आपका पी का मान कितना था, 28,400 गुणे, इनके बीच में गुणाई होता, कुछ ना हो तो गुणा रहता है। ठीक है, आर का मान था अपना कितना 4, और टी का मान था 1, निकाला था अपना टी 1 वर्ष, और वटे में कितना था इसका 100, तो अपन इसका 100 कर देंगे, और जो 0 से 0 काट देंगे भाई, यहाँ से आपको देखो कितना, 284 गुणे 4, तो 400 के 16 और 1 हाथ लगाएंगे, 8 चौके 32, 3 8 4 चौके 16, 8 चौके 32 33, 33 की 3, 4 2 9 8 और 3 11, 36 रुपया, 1136 रुपया आपका ब्याज आ गया, कितना आ गया, 1136 रुपया आपका ब्याज निकला आया गया ना। अब आपको पूछा था मिश्रधन भी, तो मिश्रधन होता है आपका क्या, आपको बताना था मिश्रधन जी, आपको तो था मिश्रधन भी बताओ, तो इसमें मिश्रधन भी बताना, तो मिश्रधन होता है आपका क्या होता है, तो मिश्रधन आपका होता है मूलधन और आपका ब्याज संग, दो जोड़ दो सो मिश्रधन निकल आता है।
ठीक है। तो अपन जब पैसा लौटा जाए तो मेसदान भी ले जाइए, ब्याज भी रहेगा, तब ब्याज व्याज लगेगा तो फैन की ब्याज चालू हो जाए, तो इसलिए अपन पूरे रुपये चुका दे, ब्याज भी बंद हो जाए। तो ऐसे ऐसे अपन को ब्याज कितना मिला था, ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन जितना अपने पैसा लिया था ना उतना लेके, तो ब्याज कितना था 1136 रुपये, और पैसा कितने ले रहे 28400 रुपये अपन ने तो लाए थे, ठीक है। तो यहाँ से इसमें जोड़ देंगे आपको कितने 1136 जोड़ना है, तो 1136 जोड़ देंगे, ठीक है। 1136 यहाँ पर 6 और 3 5, ठीक है, 6 की 6 3 और 5 और 8 1 9 29, कितना का 29 53 6, जितने रुपये आपका मिश्र धन आ गया, ठीक है। मिश्र धन आपने इतना निकाल लिया और ब्याज आपका पीछे ही आ गया, तो कितना 1136 रुपये, एक साल का ब्याज हो गया इतना।